हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो आज हम लोग 60 डेज चैलेंज में चेस्ट की वर्कआउट करेंगे। तो चेस्ट का पहला सेट क्रॉस केबल, तो आए इसका पहला सेट लगाते हैं। मशीन में केबल का इसी एक्यूरेसी में आपने सेट लगाना है ताकि सारा फोर्स आपके चेस्ट के ऊपर है। चेस्ट का दूसरा सेट स्ट्रेट केबल, तो स्ट्रेट केबल का एंगल आपने हमेशा इस तरह रखना है सीधा, ताकि सारा फोर्स आपके चेस्ट के ऊपर आए। तो आए चेस्ट का दूसरा सेट लगाते हैं। का तीसरा सेट बेंड केबल। बेंड केबल में सारी जिंदगी एक बात आपने याद रखनी है, आपका जो एंगल है ना, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आप चेस्ट को लेके आ रहे हैं, तो यहां पे लाके स्टिल कर रहा है, अपर चेस्ट पे आपकी फोर्स ज्यादा लगे तो फिर सेट एक्यूरेट होगा। तो आए इसका तीसरा सेट लगाते हैं। चेस्ट का चौथा सेट प्रेस। प्रेस का जो एंगल है ना, आपका आर्म्स आपके सीधे हो ताकि सारा फोर्स आपकी चेस्ट के ऊपर आए। आपको नजर आ रहा है कि मैंने बाजू सीधे किए तो मेरी चेस्ट ऊपर की तरफ हो रही, क्योंकि सेट सही लगेगा तो पंपिंग अच्छी होगी, पंपिंग अच्छी होगी तो आपके चेस्ट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो आए इसका चौथा सेट लगाते हैं। चेस्ट का चौथा सेट इंक्लाइंड बेंच। इंक्लाइंड बेंच लगाने का जो तरीका है ना, कि जो हार्ट जब इस तरह नीचे है तो आपकी अपर चेस्ट को टच हो, क्योंकि आप इंक्लाइंड चेस्ट लगा रहे हैं तो इस पे आपके इनर चेस्ट को भी हिट कर। चेस्ट का लास्ट सेट बटरफ्लाई मशीन, तो आए इसका सेट लगाते हैं। तो सेट का ये जो एंगल है ना, ये इस तरह रखना है आपने ताकि सारा फोर्स आपके चेस्ट के ऊपर हो और सेट एक्यूरेट लगे। इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि जितनी आप लोग मोहब्बत करेंगे उतनी दिलजोई के साथ भाई ने वीडियो बनानी है। तो अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दें। फी मानिला, अल्लाह हाफिज़।